नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। भाई नागार्जुन और उसकी टीम ने तो भाई एकदम कमाल कर दिया है। तो भाई कल के 2898 का फाइनली जो है एकदम जो है धमाका जो के बम फोड़ा गया है एक ट्रेलर के अवतार में। तो भाई इसमें जो है ये ट्रेलर शुरू होता है भाई एक बहुत ही सुनसान वीरान सिटी, द फर्स्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, और उसके बाद जो है उसी में जो स्टार्ट भी दिखाया जाता है द लास्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो, जो बहुत ही डेवलप होता है काशी। तो भाई इसमें एक बहुत ही अमेजिंग से भाई इनसे डायलॉग बोले गए हैं और हर कैरेक्टर को यार एक अलग ही अंदाज से दिखाया गया है और एक अलग ही यूनिक सा लुक दिखाया हुआ है। मजे वाली बात यह है कि भाई जो है सारे कैरेक्टर सारे लुक एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है। ये जो चीज है ये मुझे एक बहुत ही यूनिक लगी। और इसकी यार क्रिएटिविटी की बात करें, क्या वीएफएक्स है, क्या विजुअल्स है, यार एकदम जो है हर चीज उन्होंने एक क्लासिकल वे में जो है रिप्रेजेंट किया हुआ है। हर चीज एक बहुत ही एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजी के साथ जो है इन्होंने रिवील की हुई है। और बात करें भाई एकदम इंस्ट्रूमेंट से लेके टूल से लेके कस्ट्यूम से लेके पीछे जो बैकग्राउंड वगैरह जो भी इन्होंने यार चीज बनाई है, इन्होंने जो भी थीम बनाया है एकदम जो है क्लास का है। जिसमें यार अगर डायलॉग की बात करें भाई एक से एक डायलॉग भी बेहतरीन बोले गए हैं। तो भाई अमिताभ बच्चन भाई इसमें एक्शन मूड में दिखाए जाते हैं। तो भाई जो है डार्लिंग प्रभासी जो है एज अ कार्तिक के अवतार में एक्शन स्टंटिंग में जो है दिखाए जाते हैं। तो भाई दूसरी तरफ अगर बात करें भाई एक बहुत ही बड़ा जो सुप्रीम गॉड यास्किन, मेरे ख्याल से भाई इसमें जो है प्रभास डार्लिंग का जो मुकाबला है वो इसी यास्किन के साथ होगा। तो भाई एकदम जो है क्लास की झंक से चढ़ गई है और एकदम जो है उसकी जो टीम होती है यार शैतान की, उसके पास एक अलग ही किस्म का लुक होता है, कस्ट्यूम्स होते हैं और एक अलग ही किस्म के जो है उनके पास वेपन्स होते हैं। मतलब ये जो वर्ल्ड उन्होंने दिखाया है कुछ दिखाने के बावजूद ही जो है सब कुछ यार समथिंग मिस्टिकल मिस्टिकल सा लग गया है। अभी ट्रेलर तो एकदम जो है क्लास का निकला है लेकिन इसमें काफी सारी चीजें जो है वो समझ से बाहर है। और यार इसमें जो कमल हसन का जो है लुक दिखाया गया है वो भी एकदम टोटली अमेजिंग। इसमें डायलॉग नया युग शुरू होने जा रहा है। और जो दीपिका पाडुकोन वाला सीन है जिसमें जो है वो बोल रहा होता है कि भाई ये लड़की मुझे चाहिए, वहां पे जो एक्शंस वाले सीन होती हैं। और यार इसमें ये भी एक चीज हाईलाइट की गई है कि भाई जो है एक चीज से दूसरी चीज यानी वो कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए उन्हें यूनिट की जरूरत होती है, मिलियंस ऑफ यूनिट की जरूरत होती है। तो भाई ये चीज इज टोटली डिफरेंट और अमेजिंग। और ये एक किस्म की यार करेंसी है जिसमें जो है एक युग से दूसरे युग में जाने के लिए यार उनको जो है इन्हें यूनिट की यूजेज की जो है नीड होती है। मतलब इसमें जो उन्होंने दिखाया भाई 6000 साल पहले का क्या सिनेरियो था, उसके बाद अभी का क्या सिनेरियो, और ये जो मूवी है इसमें टोटली जो है अमिताभ बच्चन जो है किस तरीके से जो है एज अ सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहे हैं और डार्लिंग प्रभास है उसकी जो है टीम है। और इसके अलावा यार इसमें जो है दिशा पटानी एकदम जो है मॉडर्न ही लुक में दिखाई गई है और जो है उनकी जो स्पीकिंग यानी एक जो है अभी अभी वाला जो है उनका जो स्टाइल था टॉकिंग का वो एकदम जो है क्लासिकल ही लगा। मतलब हर चीज हर कैरेक्टर एक दूसरे से टोटली डिफरेंट और एकदम जो है एंजॉयबल विद यूनिक कस्ट्यूम। तो भाई मैं तो उसको 5 out of 5 ही देना चाहूंगा यार। और इसकी भाई जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो भाई पहले भाई ये जो मूवी सोशल मीडिया पे यार दबी हुई थी लेकिन अभी जिस हिसाब से इन्होंने ये बम फोड़ा है तो भाई ये अभी एकदम जो है 2000 crore को भी भाई जो है क्रॉस कर लेगी। तो डार्लिंग प्रभास की अभी इसी कल के मूवी के ऐसे ही अपडेट्स के लिए ऐसे ही जुड़ जाए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक के साथ चैनल को मस्त सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं इसी प्रभास डार्लिंग के फैन क्लब में। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।